कमलनाथ आ रहे हैं मतलब चर्चा है कि अब पूरी छान पड़ गई। देखिए ये मेरा कमेंट्स करना कोई उचित नहीं समझता, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों की बात है, वो अपने देखे ना कि नटों में भी बच्चे रू पड़ रहे तो कुछ रहे और का हुई है, तो इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते। ये ऊपर ऊपर का मामला है, अब कमलनाथ जी हों चाहे नकुलनाथ जी हों चाहे वो सज्जन वर्मा कुछ कह रहे हों, आप खुद समझदार हैं, कुछ कहने की आवश्यकता। 29 में से लक्ष्य है मोदी का। अब आपके सागर शहर में शादी बर्थडे पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधायुक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन तिलकगंज सागर। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ है। हालांकि शेर किसी और तरफ है, लेकिन वीरता को जरूर प्रतीक ये शेर है कि दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, मैं भी हूँ राणा का बंसर, फेंक जहां तक भाला जाए। शिवाजी की अगर हम बात करें, महाराजा छत्रपति शिवाजी की, तो वीरता के प्रतीक है, और 16 साल की उम्र में उनने गुरेला जो युद्ध किया था उसकी छवि पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलती है। मराठा जो कौम है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी देशभक्ति की रक्षक मानी जाती है, ये भारत देश और हिंदुस्तान जानता है। आज छत्रपति महाराज शिवाजी की जन्म जयंती थी, बड़ा कार्यक्रम सागर में हुआ, और जिसके आयोजक विजय पटेल थे, राज्य मंत्री लखन पटेल भी इस कार्यक्रम में आए। भाई साहब, आज आपके गौरव, देश के गौरव की जन्म जयंती थी, कैसा महसूस किया? सागर में भव्यता से कार्यक्रम मनाया गया। विजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। आज पूरे प्रदेश में कई जगह ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुझे विदिशा जिले के भी एक दो जगह से था, परंतु अपने घर का अपना ही होता है, तो मैंने तय किया कि सागर जाऊँगा, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हालांकि थोड़ा देर से आया, लेकिन अच्छा लगा कि काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित थे। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई जब शिवाजी महाराज जी ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो सिंबल है, जो उनका चरित्र है, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि उनकी वीरता के किस्से बुंदेलखंड में भी रहे हैं, लेकिन समाज क्या इस बारे में थोड़ी पीछे है, या कुछ लोग पीछे हो गए कि महाराज शिवाजी बहुत देर बाद आए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी संख्या में होता रहा, कम जगह पर होता रहा, होता आया है, कार्यक्रम होता है, हमेशा जन्म जयंती के ऊपर होता है। जैसे आपने कहा गोरल्ला युद्ध, उसका शब्द ये 400 साल पुराना शब्द लगभग आज भी चल रहा है, पर हम लोग कई बार कहावत में भी कह देखा है गोरल्ला युद्ध लड़ रहे का कहते नहीं जी, बिल्कुल, तो ये शब्द वहाँ से चला और आज तक चलता आ रहा है। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि शिवाजी जी के कहे हुए शब्द या उनके किया हुआ प्लान आज तक जिंदा है। भाई जब एक सियासी सवाल है, संख्या तो आपकी बेहतर है, अब लोकसभा में मतलब जो दावेदारी है दिल्ली समाज की, वो लगातार सामने देखने को मिल रही है, क्या सपोर्ट करेंगे अब मतलब जो आगे आ रहे हैं? क्यों नहीं भाई, देखिए हर आदमी अपने लोगों को बढ़ाने का काम करता है और करना भी चाहिए। अगर आज मुझे मंत्री बनाया है तो शायद उसी के पीछे कुछ ना कुछ ये बात रही, सार्थकता के साथ साथ लोगों का विश्वास। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैं जब बना तो जितनी खुशी दमों में थी उससे ज़्यादा खुशी सागर में थी, और जबलपुर रीवा तक लोगों को खुशी मिला। मैं सभी उन भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, उन्होंने जो मुझ पर भरोसा जताया है, सरकार ने जो मुझ पर भरोसा जताया, जनता ने मुझ पर जो प्यार दिखाया, उस पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बस खरा उतरूँ, उनके काम आ सकूं, और उनका स्थान भला करने के लिए जो भी मैं कर सकूं। कमलनाथ आ रहे हैं मतलब चर्चा है कि अब थोड़ी छान पड़ गई। देखिए ये मेरा कमेंट्स करना कोई उचित नहीं समझता, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों की बात है, वो अपने देखे ना कि नटों में बच्चे रू पड़ रहे तो कुछ रहेंगे और का हुई है।
इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते। तो ये ऊपर ऊपर का मामला है, अब कमलनाथ जी हों चाहे नकुलनाथ जी हों चाहे वो सज्जन वर्मा कुछ कह रहे हों, आप खुद समझदार हैं, कुछ कहने की आवश्यकता। 29 में से लक्ष्य मोदी का आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में राममय हो गए। 500 साल पुराना जो कलंक का टीका लगा था हट गया, और उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो माननीय मोदी जी ने जो काम उस दिन स्थापना करके किया है, समाज को क्या पूरे हिंदू समाज को गौरवान्वित किया है। और मैंने देखा है कि जब सब जगह कलश यात्रा चल रही थी तो लोगों ने ये नहीं देखा कौन सी पार्टी की। मैंने एक नाम लिए बिना मैं बताऊंगा, मैंने एक कांग्रेसी मित्र को एक वीडियो दिखाया और मैंने उनसे पूछा का है भाई ये लड़ने का लोकसभा, कहने लगा भैया बहुत कठिन दिखा रहा हूँ, हमने जो वीडियो देख लो वो मैं गांव का वीडियो था, उसमें 40-50-60 महिलाएं पीले कपड़े पहन के वो कलश रख के और आगे कम से कम 100 से 150 लोग बाजे बजाते हुए चल रहे थे। मैंने कहा इसका मतलब समझते हो, कहने लगा नहीं, हमने कहा तुम ऐसी जगह से आते हो जहाँ ये सब नहीं देख पा रहे, तो देख लो हर आदमी के दिमाग में, महिला के दिमाग में, बच्चों के दिमाग पर राम जी विराजमान हैं। और कांग्रेस ने कह दिया कि राम काल्पनिक है तो भुगतना तो पड़ेगा। और आज ये स्थिति है कि पूरे देश में जो मोदी जी ने कहा है ना 400 से ज़्यादा एनडीए जीतेगा, आप 29 तो यहाँ जीतेंगे जीतेंगे, अब जीतने का सवाल नहीं है कितने से जीतेंगे, सवाल ये है लोग ये नहीं कह रहे कि हम दमोह जीत जाएंगे, सागर जीत जाएंगे, सागर कितने से जीतेंगे प्रश्न ये खड़ा है और लोग इस बात को मान रहे हैं, आप देखना रिकॉर्ड बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद। तो ये लखन पटेल साहब थे जो बता रहे थे कि 29 में तो 29 जीतेंगे ही, साथ में अब ये तय होगा कि लीड कितनी रहेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि शिवाजी महाराज की आज जन्म जयंती थी और उसी के सहारे आज कुर्मी समाज ने जो शक्ति प्रदर्शन सागर की धरा पर किया है वो निश्चित तौर पर ये शोर इंगित जरूर करता है कि अगर टिकट नहीं दिया जाता है भाजपा की तरफ से तो ये संख्या जो कुर्मी समाज का जो शक्ति प्रदर्शन है वो राजनीतिक दलों को परेशान जरूर कर सकता है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।